फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत किसको है? जो वास्तव में जीवन में बहुत अमीर बनना चाहता है, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। अगर आप जीवन में सब कुछ सेट है, आपको हर महीने सही पगार मिलती है, आपके स्वास्थ्य का बीमा गवर्नमेंट ने उठा रखा है, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल एडमिशन हो जा रहे हैं, सेंट्रल स्कूल में एडमिशन हो जा रहा है, आपको कुछ अलग से सोचना ही नहीं है, आपके रिटायरमेंट के लिए पेंशन स्कीम ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बना रखी है, आपके ऑर्डिनेशन ने बना रखा है, तो आपको फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत नहीं है। जीवन जीना है तो जीवन में फाइनेंशियल आईक्यू होना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल आईक्यू चाहिए किसको होते हैं, तो इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक अपने बुक में एक क्वाड्रेंट दिया है। बेसिकली एंटायर पॉपुलेशन को, दुनिया के सारे लोगों को चार कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहला क्वाड्रेंट है ई क्वाड्रेंट। ई का मतलब है एम्प्लॉय, जो कहीं जॉब करते हैं, काम करते हैं, दे आर एम्प्लॉयज। उनको आइडियली फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ज्यादातर चीजों की रक्षा सोच, उनकी ज्यादातर चीजों की रक्षा उसका उसकी देखभाल ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है। द सेकेंड कैटेगरी इज एस, एस कैटेगरी, ई के बाद एस। एस इज सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? जिन्होंने अपना खुद का दुकान खोला हुआ है या खुद का कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हैं दो चार लोगों के साथ। अब देखिए, बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड में एक फर्क है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन अभी शॉर्ट में यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप एक छोटी मोटी दुकान चलाते हैं जहां पे दो चार पांच एम्प्लॉय आपके साथ काम करते हैं, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड ही है। आप इतना कमा लेते हैं कि आपकी खुद की फैमिली चलती है, दो चार लोगों की फैमिली चला लेते हैं, तो ये दूसरी कैटेगरी है। इनको भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत नहीं है, वो उतना कमा लेते हैं, उतना बना लेते हैं जिसमें उनका पैसा बन जाए। थर्ड कैटेगरी इज बिजनेस मैन, जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके साथ 1,000-1,500 लोग काम कर रहे हैं, मतलब तो हजारों की संख्या में लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, हजारों फैमिली उन पर डिपेंडेंट है। अब इनको फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत है। क्यों जरूरत है? इनको ना केवल अपने बिजनेस को डेवलप करना है, आगे बढ़ाना है, पैसा कमाना है, बल्कि उनके साथ जुड़े हुए 500 लोगों का भी ध्यान रखना है। क्योंकि एक साथ 500,000 लोग अगर चले जाते हैं, एक साथ 500,000 लोगों की जॉब चली जाती है, बहुत बड़ी क्राइसिस शुरू हो जाएगी, तो भी इम्पोर्टेंट है। एंड द फोर्थ वन इज इन्वेस्टर, आई। तो ई एस बी आई, और आई हु आर दे? इन्वेस्टर, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है और कहीं इन्वेस्ट करते हैं और उससे पैसा बनाते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं भी पैसा लगाओ और वहां से पैसा बन जाएगा। पैसा लगाने के लिए वित्तीय बुद्धि की जरूरत है कि आप कहां पे पैसा लगाएंगे और उससे कैसे रिटर्न आएगा। जैसा कि हम फाइनेंशियल आईक्यू नंबर 4 में बात कर रहे थे, लेवरेजिंग ऑफ योर मनी, आप अपने मनी को कैसे लेवरेज करते हैं, कहां लगाते हैं कि वो पैसा से पैसा बने, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, तो हम यहां वही बात कर रहे हैं कि आखिर इन्वेस्टर को फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत कैसे होती है और क्यों होती है। तो अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड की बात करें, तो उनको फाइनेंशियल आईक्यू नहीं भी है तो चलेगा, क्योंकि उनकी सफलता का पैमाना पैसा नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो धीरे धीरे अपने लाइफ में किस डेजिग्नेशन पे जा रहा है, उससे उसकी सफलता मापी जाती है। किसी ने एग्जीक्यूटिव रोल से शुरू किया था, मतलब एंट्री लेवल से शुरू किया था, फिर धीरे धीरे वो टीम लीडर बनता है, उसके ऊपर जाता है, मैनेजर बनता है, सीनियर मैनेजर बनता है, उसके ऊपर जाता है, तो ये रोल जस्टिफाई कर देता है उसके बेसिकली अपलिफ्टमेंट को, या फिर उसके लाइफ में प्रोग्रेस को, या फिर सफलता को। ठीक उसी तरीके से कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो एक छोटी सी दुकान से दो दुकान कर ले, तीन दुकान कर ले, या फिर दस लोगों के साथ एक दुकान चला ले, कुछ अच्छा खासा पैसा कमा ले, नॉर्मल लाइफ जी ले, अपना घर बना ले, मकान बना ले, रह ले, तो वो भी सक्सेसफुली माना जाएगा। लेकिन बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टमेंट के सक्सेस का पैमाना मापा ही जाता है उसके पैसे से। बिजनेसमैन कितना ज्यादा पैसा कमाता है या इन्वेस्टर कितना ज्यादा पैसा कमाता है, इससे मापा जाता है कि वो कितना धनी है या कितना सक्सेसफुल है लाइफ में। अब चूंकि आपके सक्सेस का पैमाना, व्हेन यू आर ए बिजनेसमैन, व्हेन यू आर एन इन्वेस्टर, आपके सक्सेस का पैमाना ही अगर पैसा है, तो आपको वित्तीय बुद्धि की जरूरत है, यानी फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत है। तो फाइनेंशियल आईक्यू की जरूरत इन दो तरह के लोगों की होती है, या तो आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप इन्वेस्टर हैं। तो अगर आप बहुत धनी बनना चाहते हैं, अगर आप जीवन में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो इनडायरेक्टली रॉबर्ट टी कियोसाकी या डायरेक्टली भी यही कहते हैं कि अगर आपको बहुत पैसा कमाना है, जीवन में बहुत बड़ा बनना है, आपको खुद का कुछ करना पड़ेगा, मतलब आपको बिजनेसमैन बनना पड़ेगा या तो इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। यू कैनॉट बी जस्ट एम्प्लॉय एंड बिकम सो रिच कि आपके पास आप मिलनायर हो जाओ, आपको अरबों खरबों की संपत्ति हो, नहीं हो। वो आप अच्छा जीवन जी लेंगे, अच्छा स्वास्थ्य होगा, आपके पास अच्छी शिक्षा होगी, आप ठीक ठाक पैसा कमा लेंगे, लेकिन डजेंट मीन दैट कि आपके पास बहुत पैसा होगा। लेकिन बहुत पैसा कमाना है तो फाइनेंशियल आईक्यू के 5 नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किए। बहुत ज्यादा पैसा कमाना, अपने पैसे की रक्षा करना,
अपने पैसे का सही वित्तीय बजट बनाना, उसका लिवर्जिंग यानी कि सही जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। द फिफ्थ वन इज कि आप किस तरीके से अपना नॉलेज बढ़ाते हैं, अपना ज्ञान कितना बढ़ाते हैं, अपना वित्त का, अपने पैसे का ज्ञान कितना बढ़ाते हैं। बुद्धि, बुद्धि पे किया गया खर्च सबसे बड़ा खर्च माना जाता है। कहा जाता है कि जितना इन्वेस्टमेंट आप बाकी चीजों में करते हैं, जितना रिटर्न आता है उससे कहीं ज्यादा रिटर्न आता है अगर आप अपनी बुद्धि पे खर्च करते हैं। और इसीलिए वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ चीजें सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप टाइम एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू ताकि आप कुछ चीजें लर्न करें। तो लाइफ में लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी वित्तीय बुद्धि को बढ़ाएं। आप बने रहिए मेरी वीडियो पे, जाइएगा नहीं, मैं इस वीडियो की सीरीज में भी और भी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा बुक है, इंक्रीज योर फाइनेंशियल आईक्यू, रॉबर्ट टी कियोसाकी की एक ऐसी बुक है जो बहुत फेमस है और बहुत कुछ सीखा है लोगों ने, और उसी बुक की समरी के साथ मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये वीडियो सीरीज आगे चलता ही रहेगा, आप जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।